ये मैंने मखाने लिए हैं, ये मैंने रोस्ट किए हुए हैं, और ये मैंने गोला है, और ये बादाम है मैंने रोस्ट किए हुए हैं ये भी, और ये भूरी मिर्च है, ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, और ये तिल है ये भी मैंने भून रखे हैं, और ये मैं अभी ग्राइंडर कर दूंगी इसमें सबको, ये मैं ग्राइंडर कर लूंगी, इसको पाउडर बना लूंगी, इसका इसको सभी को मैं मखाने को भी, बादाम को भी, गोले को भी मैं, और भूरी मिर्च भी पीस लूंगी, इसको मैं सबका पाउडर बना लूँ, मिश्रण, ये मैंने मिश्रण बना लिया है, तिल का है, गोले का है, मखाने, बादाम, गोला, सब कुछ मैंने पीस लिया है, और भूरी मिर्च भी मैंने पीस ली है, और ये बादाम है, ये पूरा है, ये भूरी मिर्च, ये दूध, इसमें मैं सारा मिक्सचर मिला लूंगी, सबको डाल के एक साथ, बादाम भी इसमें, अगर तुम और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे काजू वगैरह, लेकिन मैंने नहीं किया, ये मखाने हैं, और अब इसमें मैं भूरा मिला लूंगी, ये भूरी मिर्च, भूरी मिर्च सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, कैसा भी सिर में दर्द हो ठीक हो जाएगा, और ये भूरा है, मैंने इसमें थोड़ी भूरा मिलाई है, जितना आपको मीठा खाना चाहते हो उतना ही आप मिला सकते हो, थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा सा, हम ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ, आप अगर कम करना चाह खाना चाहते हो तो आप कम मिला सकते हो। इस मिश्रण को मैं मिक्स कर लूँगी, अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, पहले थोड़ा सा ही डालना, हल्का सा ही, और फिर इसको हल्के से हाथों से मिक्स कर लेना है, अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा सा और तो इसमें हल्का सा और भी मिला सकते हो, अगर आप को लगे कि सूखा सूखा हो रहा है तो आप, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिला लो, ये बहुत ही अच्छे हैं, अगर आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, सर के दर्द के लिए, आंख से पानी जा रहा हो, नाक से पानी जा रहा हो, ये बहुत ही फायदेमंद लड्डू हैं, कैल्शियम की कमी हो, घुटनों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, कमजोरी कमजोरी भी, मतलब आप कमजोरी महसूस कर रहे हो, सब चीज़ के लिए फायदेमंद है, आँखों के लिए और सर के दर्द के लिए तो ये बहुत ही रामबाण है, इसमें जो गोला है ये बहुत सर दर्द के लिए है, भूरी मिर्च आंखों की रोशनी, सर का पुराना से पुराना सर का दर्द ठीक करेगी, अब मैंने ये लड्डू तैयार किए हैं,
इनको आप सुबह को 2 लड्डू दूध के साथ ले सकते हो। तैयार हो गई हैं, अब इसे आप 2 लड्डू सुबह दूध के साथ ले सकते हो। और छोटे बच्चों को, मतलब थोड़े से बड़े बच्चे 1 लड्डू ले सकते हैं और बड़ा 2 लड्डू ले सकते हैं दूध के साथ सुबह को नाश्ते में, नाश्ते से पहले। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।